नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रीव्रत दीक्षित। तो यूपी चुनाव में ऐलान से पहले प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे प्रदेश में लगातार बढ़ गए हैं और नया साल शुरू होते ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेरठ में होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सहदना शहर के सलाबा और अकेली गांव में 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में जिस तरीके से चुनावी माहौल गर्माता नजर आ रहा है, उसी को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर के बाद अगर बात की जाए तो एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा दौरा होगा। आपको बता दें कि काशी 13 तारीख को वो आए थे, उसके बाद 23 तारीख को काशी आए थे और फिर आपको बता दें कि 18 तारीख को उन्होंने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और उसके बाद आज नए साल के शुरू होते ही वो मेरठ में होंगे और वहाँ पर वो खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता अनुज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है उसको धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, आज मेरठ में वो होंगे, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? अनुज, तो आपको बता दें कि मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सफल प्रोजेक्ट होगा, ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है क्योंकि 700 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से सौगातों की झड़ी लगाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो इससे साफ नज़र आता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और बीजेपी उसको धार देने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये पहला विश्वविद्यालय होगा, खेल विश्वविद्यालय होगा मेरठ में, जो आज जिसकी आधारशिला रखी जाएगी और इसको जल्द ही पूरा करने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। और एक बार फिर से हमारे साथ अनुज तिवारी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर यूपी में जिस तरीके से चुनावी बिसात बिछी हुई है और आज धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेरठ में होंगे? अनुज जी बिल्कुल प्रीवेद, देखिए 2022 का चुनाव लगभग रणभेरी बज चुकी है, इसके शंखनाद हो चुका है और लगभग सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर आकर के जनता को लुभाने का कार्यक्रम शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा देखा गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि देश के प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी की बागडोर संभाली है, वरना अभी तक इस तरह की कोई चीज ऐसी नहीं देखी जाती थी। अगर प्रधानमंत्री का कोई दौरा होता था 2022 के जो भी विधानसभा चुनाव होते थे उसमें अगर प्रधानमंत्री का कोई दौरा होता था तो महज एक या दो दौरे होकर के उत्तर प्रदेश में दौरे समाप्त हो जाते थे प्रधानमंत्री स्तर के, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री के दौरे पर दौरे हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हमने देखा था कि पूर्वांचल का जो एक कार्यक्रम था उसमें भी प्रधानमंत्री ने शिरकत करी थी, प्रधानमंत्री ने लोकार्पण करके जनता को वो जो सौगात थी उस पूर्वांचल हाईवे एक्सप्रेस की वो जनता को दी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो काशी कॉरिडोर की बात करते हैं तो काशी कॉरिडोर को भी प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण करके जनता को सौंपा। इसके बाद कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो 11,000 करोड़ के आसपास की लागत से बने हुए कानपुर मेट्रो को भी स्वयं जो प्रधानमंत्री है देश के उन्होंने आकर के जनता को लोकार्पण करके दिया। और अब आज की बात कर रहे हैं तो आज मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार उत्तर प्रदेश के खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखेंगे। लगभग 700 करोड़ के आसपास की ये योजना है जिसके अंतर्गत फुटबॉल और जिस तरह के छोटे जो गेम है, फुटबॉल है और तीरंदाजी है, स्विमिंग पूल है, स्क्वैश है, पूल है, इस तरह की सारी चीजें इस खेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत रहेंगी आधारशिला में जो रखा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा लगातार नए साल में अगर हम बात करते हैं 2022 के लिए, तो 2022 के आगाज में ही प्रधानमंत्री द्वारा जो शंखनाद किया गया उत्तर प्रदेश में कि मैं स्वयं एक लीड कर रहा हूं चीज को, मैं हैंडल कर रहा हूं, तो ये एक बड़ी बात है देखने के लिए अभी तक उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के।
देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, तो बीजेपी जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है अनुची, तो देखा जा सकता है, क्योंकि चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो भी यूपी के लगातार दौरे करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार सौगातों की झड़ी लगाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को क्या टक्कर में मानती है समाजवादी पार्टी को, अपनी टक्कर में? जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रेवत की समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी वैसे भी मानी जाती है स्थानीय पार्टी, जिले की पार्टी नहीं बल्कि प्रदेश की पार्टी, तो इसको जरूर है, माना ही जाता है क्योंकि प्रदेश में आज इसने एक अपनी अलग पहचान रखी है। लेकिन बेशक ये कानपुर से ही होकर के गुजरी थी। अगर हम बात करते समाजवादी पार्टी की, तो चौधरी हरमोहन सिंह जो थे उन्होंने इसकी नींव रखवाई थी नेताजी के साथ में मिलकर के, बिल्कुल मुलायम सिंह जी के साथ में मिलकर के। तो कानपुर में जो मेहरवान सिंह का पूर्वा है, मेहरवान सिंह के पूर्वे के पास में ये हवेली जो बनी थी चौधरी हरमोहन सिंह की, वहां से समाजवादी पार्टी की एक धारा निकली थी जिसको लेकर के आज प्रदेश में डंका बज रहा समाजवादी पार्टी का। तो देखिए समाजवादी पार्टी वैसे भी प्रदेश के लिए एक प्रमुख पार्टी मानी जाती है, बिल्कुल लेकिन ऐसे में 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो साख बन गया है। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा है 5 साल का, उसको लेकर के जनता के बीच में एक विश्वास तो जमा है, लेकिन उस विश्वास को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राजनीति के या चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हो गए, या जेपी नड्डा हो गए, या खुद या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, या इस तरह के ऐसे कई नेता जो बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, आज उत्तर प्रदेश की सरजमीन में आकर के जगह जगह जाकर के रैलियां कर रहे हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी एक संदेश दे रहे हैं कि हम आगे हैं, हम पूरे लव लश्कर के साथ आए हैं, पूरे दल बल के साथ आए हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे लिए मान सम्मान की बात है। बिल्कुल इस तरह हाल फिलहाल में जो ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अनुज, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो आधारशिला रखी जाएगी खेल विश्वविद्यालय की, इससे खिलाड़ियों को क्या कुछ फायदे होंगे? आधारशिला जो रखी जा रही है लगभग 700 करोड़ के आसपास की ये परियोजना है। और देखिए मेरठ की अगर हम बात करते हैं, आधारशिला की बात करते हैं, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जो कद्दावर नेता थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश को संभालने की कोशिश करी है और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ सीधी नजर चली गई है। तो वो मेरठ जो है ऐसा एरिया है जहां पर लगभग आज तक इस तरह का कोई भी, ना ही कोई आधारशिला रखी गई थी, ना ही कोई पार्टी ने किसी भी इस तरह की चीजों के लिए मेरठ के लिए सोचा था। तो मेरठ के लिए जो 700 करोड़ की परियोजना है जिसमें तीरंदाजी का खेल होगा और इसके अलावा स्विमिंग पूल होंगे, इसके अलावा हॉकी भी होगी, फुटबॉल भी होगा, वॉलीबॉल भी होगा, इस तरह के खेलों का आयोजन इस आधारशिला के अंतर्गत रखा जा सकेगा। एक खेल की भावना को उत्प्रेरित करते हुए और खिलाड़ियों को एक स्तर देने के, खिलाड़ियों को एक, ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये बहुत बड़ा मंच होगा उत्तर प्रदेश के, खासकर खिलाड़ियों के लिए। मेरठ में देखिए कई ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे जो ओलंपिक में गए थे या पहले भी ओलंपिक में जा चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेरठ से उत्तर प्रदेश से निकल के आते हैं। तो ऐसे में ये जो स्तर होगा, ये जो आधारशिला रखी जा रही है विश्वविद्यालय की, खेल विश्वविद्यालय की, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है आने वाले समय को लेकर के। प्रीवियस अनुज जी, जिस तरीके से आज हम सियासत का सुपर संडे भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी यूपी को आज राजनेताओं ने नाथ रखा होगा, संडे तो है राजनेता लेकिन ऑन ड्यूटी है, क्योंकि प्रदेश में चुनावी माहौल है। आज हम अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दौरा है, अखिलेश यादव भी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो कहीं वादों की बौछार होगी तो कहीं योजनाओं की बौछार होगी। अनुज बिल्कुल बिल्कुल, प्रियत देखिए एक कहावत कही जाती है मैन एट वर्क, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, यहाँ पर कहा जा सकता है लीडर एट वर्क। जो लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो आज आज नहीं लगभग काफी दिनों से हम इस बात को देख रहे हैं कि मोर्चा संभाले हुए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, वो अपनी विजय रथ यात्रा लगभग लगभग चालू हो चुकी है और एक अंतिम चरण पे पहुंचने वाली, चूंकि हाल ही फिलहाल में कुछ समय में जल्दी ही चुनाव की भी घोषणा जल्दी से हो जाएगी। और ऐसे दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो प्रियंका गांधी भी रैलियों पे रैलियां कर रही हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और इसके अलावा योगी क्षमा चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं जमीन पर आकर के रैलियों पर रैलियां करते जा रहे हैं। तो जनता को जो एक योजनाएं थी एकदम से मिलनी शुरू हो गई है। जनता ने खुद भी इस बात को नहीं सोचा था, क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों की बात करें देखें तो इस तरह के लोकार्पण और इस तरह की शिलान्यास इस स्तर पे नहीं होते थे। होते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन जो मानक है उनके पूरी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, उनके सारे समीकरण टूट गए हैं। लगातार हर दूसरे चौथे तीसरे दिन एक एक योजना परियोजना कई सौ करोड़ों की जनता को मिल रही है, लोकार्पण पे लोकार्पण हो रहे हैं, लोगों को जनता को मतलब भरोसा एक दिलाया जा रहा है कि नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय पे कामकाज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के समय पर कार्यकाल में हमने जहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, तो हमने दूसरी तरफ जनता का भी ख्याल रख करके अब हम जनता को भी कुछ एक अलग चीज दे रहे हैं। और आगामी अगर हम 5 साल फिर आते हैं तो उस 5 साल में हम जनता के और भी बहुत कुछ करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की एक कह सकते हैं कि विचारधारा बनी चली आ रही है, जिसको लेकर के जमीनी स्तर पर खुद नरेंद्र मोदी, देखिए मोदी एक देश का प्रधानमंत्री जब जाकर के कहीं लीड करता है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वो खुद एक प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, और वो जमीनी स्तर पर खड़े होकर के जनता को संबोधित कर रहा है। उससे बड़ा संदेश और उससे बड़ा एक ये कह सकते हैं कि जनता को एक उपहार कभी नहीं मिल सकता है। अगर हम पूर्व में पहले बात करें तो पूर्व में प्रधानमंत्री एक या दो रैलियां किया करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इस बार रैलियों की तो बिल्कुल एक बौछार भी लगा दी गई है। प्रशासन भी एकदम सड़क पर आ चुका है, प्रशासन भी देख रहा है कि कोशिश करके कि किसी तरह से रैलियों को जो भी है सफल पूर्वक उसको निर्वहन करवाया जा सके। अभी बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को नाद के रख दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में होंगे। और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 70 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन राज्य के युवाओं को मजाक बनाकर रख दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने वाले नौजवानों पर योगी सरकार द्वारा किस तरीके से लाठियां भाजी जा रही हैं, ये पूरे देश ने देखा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी में 2 जनवरी यानी कि आज से अरविंद केजरीवाल का चुनावी महाअभियान शुरू हो जाएगा, और 2 जनवरी को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की महारैली होगी। जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, और आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, और इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी सियासी जमीन तलाश रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पर यूपी सरकार का यानी कि यूपी विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो अटैक देखने को मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा दिया गया अभी तरीके फेस्टिवल की तरफ से कि यूपी सरकार जो है वो यूपी जो है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक सरकार के तौर पर काम कर रही है। यानी इसी जगह कहें तो लगभग बेरोजगार जो युवक है वो उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, लगभग 70 लाख लोग जो है उनको नौकरियां चाहिए, युवक जो है वो परेशान है, युवा को अभी तक नौकरियां नहीं मिली है। यूपी सरकार के जिस तरीके से कहा गया है कि लगातार अगर उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं 10 लाख लोगों को, युवाओं को हर साल जॉब दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बड़ा दावा जरूर किया जा रहा है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर यूपी के अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं बड़े वादे जरूर किए जा रहे हैं जनता से, और शायद इस वादे का कहीं ना कहीं उनको फायदा भी होता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से यूपी में तो फिलहाल आप सियासी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार दिल्ली में है, तो दिल्ली को लेकर क्या कुछ अपडेट हो? क्या दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या दिल्ली जो वादे यूपी में किए जा रहे हैं क्या वो दिल्ली में पूरे होते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जो वादे हैं वो जरूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा के लिए बड़े वादे कर दिए कि हम 10 लाख जॉब जो है वो युवाओं को देंगे यूपी के अंदर, मगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं इसी वादे को लेकर भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में आई थी, मगर अभी तक युवा आम आदमी पार्टी की तरफ से
किसी को भी जॉब नहीं दी गई है, अगर दी भी गई है तो सिर्फ अपने अपने लोगों को ही बांटी गई है नौकरियां। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी युवा जो है वो परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही है, और जिस तरह में कोरोना काल चल रहा है उस समय कहीं ना कहीं काफी लोगों की जो नौकरियां चली गई, जॉब चली गई, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए थे। मगर जिस तरीके से अब यूपी सरकार, यूपी चुनाव के लेकर बड़े वादे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा जरूर है, मगर कहीं ना कहीं युवक जो है वो कहीं ना कहीं समझते हैं लगातार के दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके के वादे कर रही है, मगर युवाओं जो जो है जिनको नौकरियां नहीं मिली हुई शायद वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आए। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ कदम होने चाहिए थे, जो दिल्ली के युवा जो है उनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी, मगर अभी तक दिल्ली के युवा भी जो है वो बेरोजगार ही नजर आ रहे हैं। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली की अगर जनसंख्या की बात कर लें तो 2 से 3 करोड़ होगी, वहीं एक उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, आप 2 से 3 करोड़ की जनसंख्या को तो संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं, नाकाम साबित हो रहे कह लें या आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप 22 करोड़ या 25 करोड़ जनता को कैसे संभालेंगे राजीव? ये तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की या फिर यूपी सरकार की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब आए थे सरकार के अंदर तो बड़े बड़े वादे किए दिए गए थे, लोगों को काफी बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, मगर कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर नहीं आए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के अंदर आई थी तो बड़े बड़े वादे जरूर किए गए थे, मगर कुछ वादे जरूर पूरे किए गए, चाहे वो बिजली फ्री का हो या पानी फ्री का हो, मगर अब जब आम आदमी पार्टी जो है अपना वजूद जो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, खंड के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, हर जगह पर यहाँ पर जाकर यही एक रोल मॉडल के तौर पर दिल्ली को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर रोल मॉडल की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बिजली फ्री दी गई, मगर कहीं ना कहीं बैंकों का बहुत बड़ा कर्जा भी दिल्ली सरकार के ऊपर है, मगर वो पूरा नहीं किया गया। यहाँ तक कि नौकरियों की बात करें जाए तो दिल्ली के अंदर अभी तक युवा जो है काफी हद तक बेरोजगार है, उनको लिए भी कुछ नहीं कदम उठाया गया है, मगर बड़े बड़े सपने जरूर दिखाए जा रहे हैं, और यही सपने जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है रोल मॉडल के तौर पर रख रही है कि दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी जा रही है, पानी फ्री दिया जा रहा है, ये चीज फ्री दी जा रही है, और वही चीज कहीं ना कहीं रोल मॉडल के तौर पर और राज्यों के अंदर भी रखी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी मुश्किल होगी अगर यूपी सरकार के अंदर, यानी कि यूपी के अंदर अपना वजूद खड़ा कर देती है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर होंगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी जब नौकरियां नहीं मिली है तो यूपी के अंदर किस तरीके से नौकरियां देंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली यूपी उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है रोजगार की, उसके अंदर 34 लाख लोगों ने अभी तक आवेदन किया हुआ है, मगर उनको अभी तक नौकरियां नहीं मिली है, और यहां तक कि दिल्ली का यूपी का जो बजट बताया जा रहा है 20,000 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उनको भी काफी ज्यादा बजट मिलता है, उसके अंदर से बजट निकालना बहुत आसान है, मगर बड़े बड़े वादे जरूर किए जा रहे हैं, मगर आने वाले दिनों के अंदर अगर आम आदमी पार्टी का वजूद अगर यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर होंगी, मगर देखना होगा किस तरीके की मुश्किलों को सॉल्व किया जाता है। जी राजीव, जिस तरीके से हम दिल्ली में देखते रहते हैं कि दिल्ली सरकार लगभग टारगेट पर ही रहती है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो नई आबकारी नीति को लेकर हो या बेरोजगारी को लेकर हो या कोरोना काल में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने मोर्चों को संभाला या विफल रही हो सरकार, तो अब यूपी पर दांव लगाया जा रहा है और आप दिल्ली संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं, लगातार आपका विरोध भी देखा गया है दिल्ली में। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं वजूद अपना बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो 5 राज्यों की तरफ हो या फिर और राज्यों की तरफ हो, मगर दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भाजपा ने भी घेरने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि भाजपा के द्वारा लगातार और कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली की जो खामियां हैं वो भी गिनाई गई, चाहे वो कह सकते हैं जो टीचर थे, जो टीचर अभी तक जो परेशान है, जो रोजगार के लिए परेशान है, जिनको पक्का नहीं किया गया दिल्ली सरकार के लिए, कहीं ना कहीं वो सवाल भी बनता है, और यही चीज का फायदा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी उठाया जा सकता है, क्योंकि भाजपा जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहें या फिर हरियाणा के अंदर कहें, उत्तराखंड के अंदर बात करें, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की यही पोलों को कहीं ना कहीं वहां पर भी खोलने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर ये जो टीचर है जिनको पक्का करने के लिए बात की गई थी वो अभी तक पक्के नहीं किए गए, टीचर जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि जो डॉक्टरों को भर्ती करने की बात की गई थी वो नहीं की गई अभी तक, मगर यहां पर लगातार जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लोगों की जॉब चली गई उनके लिए भी दिल्ली सरकार को कुछ
कदम उठाना चाहिए, मगर और राज्यों के अंदर जाके जिस तरीके से वादे कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनको सत्ता हासिल करने में कुछ आसानी जरूर होगी, मगर पूरी आसानी नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनकी वहां पर भी पोल खोली जाएगी और लगातार कहीं ना कहीं उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की जितनी भी रणनीति है उनको कहीं ना कहीं जनता के सामने पेश किया जाएगा, मगर देखना होगा जनता किस तरफ जाती है और जनता किस तरफ यूपी सरकार की तरफ या फिर कहे आम आदमी पार्टी की तरफ, दोनों की तरफ किस तरफ वोट करती है, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। बिल्कुल शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी और लगातार सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। चलिए अगली बात करते हैं राजधानी मुंबई की, जहां पर आपको बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और ऐसे में सरकार कड़े लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि फिलहाल तुरंत लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की हालात की कड़ी निगरानी कर रही है, लेकिन स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है तो ऑटोमेटिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। टोपे ने कहा कि अगर राज्य में 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत शुरू होती है तो महाराष्ट्र में ऑटो मोड पर तालाबंदी की जाएगी। टोपे ने कहा कि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार की पहली प्राथमिकता संक्रमण को रोकने की है ताकि मरीजों की संख्या ना बढ़े। टोपे ने मुंबई पुणे में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद कड़े प्रतिबंध लगाने के बारे में कहा कि इन शहरों में सकारात्मकता दर के अलावा बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता को देखते हुए सही फैसला लिया जाएगा। और इसी पर तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर के रूप में दस्तक दे रहा है ओमिक्रॉन महाराष्ट्र में, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? सत्यप्रकाश, क्या आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के रूप में ओमिक्रॉन एक बार फिर से दस्तक देता नजर आ रहा है, इसी को लेकर सरकार की टेंशन बढ़ गई है। तो महाराष्ट्र में कड़े लॉकडाउन की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो ऑटोमेटिक लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो एक बार फिर से कोरोना के केसों ने डरा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में केस लगातार बढ़ रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम ऑटोमेटिक लॉकडाउन लगा देंगे। आपको बता दें कि हालात बिगड़े तो ऑटोमेटिक लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, ये स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, इन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है पूरे राज्य में, और लोगों से कहा गया है कि वो ज़रूरी काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि तीसरी लहर की दस्तक के रूप में जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ रहे हैं, ये सच में सरकार की टेंशन बढ़ाने जैसा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार भी लगातार मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन सरकार के साथ साथ जनता को भी सोचना चाहिए कि जरूरी काम हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकले। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के पैर लगातार पसरते जा रहे हैं? सत्यप्रकाश, बिल्कुल प्रियवत, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों को ये आगाह कर रही है कि अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इसको लेकर लगातार नए नए गाइडलाइन जारी हो रही है। लेकिन जिससे जानकारी मिली है कि मुंबई में 10 मंत्री और 21 से ज्यादा जो है विधायक कोरोना पॉजिटिव है, वो सरकार चिंता बताने वाले, तो सरकार पूरे मामले पर लगातार मंथन कर रही है। जैसा की कल सरकार की तरफ से जानकारी आई कि आने वाले समय में सरकार जल्द जो है लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है, ऐसे में कहा गया है कि फिलहाल
राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री, उनका कहना है कि जब तक मुंबई में 700 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की खपत नहीं होती है तब तक इस पर फैसला लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसे ही स्थिति बिगड़ती है तुरंत जो है ऑटो जो है लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति पर मुंबई के तमाम लोग जो है पहुंच चुके हैं, हालांकि इस वक्त जो है सरकार सिर्फ वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा संक्रमण को रोकने की तैयारियां कर रही है, इस तरह की जानकारी सरकार द्वारा दी जा रही है। सत्यप्रकाश, लेकिन अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या पिछली बार की तरह स्थिति फिर से भयावह नजर आएगी? रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ नजर आएगी, बस स्टॉप पर पैर रखने की जगह नहीं होगी? सत्यप्रकाश, या कुछ स्पेशल तैयारियां रखी गई हैं? प्रेमवती देखिए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सबसे पहले संक्रमण को कैसे रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर कितनी तैयारियां उसको तैयार किया जाए, क्योंकि लगातार मुंबई में जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसके अलावा सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि सरकार आए दिन टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर रही है और इस पे अमल कर रही है कि किस तरह से जो कोरोना की संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, हमारे पास बेड की जो उपलब्धता है, ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है, तमाम जो टास्क फोर्स के एसओपी बनाए गए हैं उसको कैसे पालन किया जाए, तो इस पे सरकार विचार कर रही है। लेकिन इस बीच सरकार के लिए एक और चिंता का विषय है कि लगातार मुंबई में आए दिन डबलिंग रेट से जो है कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है, तो सरकार अब लोगों को अलर्ट कर रही है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो लॉकडाउन झेलना पड़ सकता है, खासकर मुंबई करों के लिए। और लेकिन एक बात और सरकार ने कही है कि अभी स्कूल कॉलेज होटल रेस्टोरेंट को जो है नहीं बंद किया जाएगा, लेकिन अन्य चीजें तत्काल प्रभाव में बंद की जा सकती है। इसलिए सरकार कहती है कि हमारी नजर इस वक्त सिर्फ कोरोना की रफ्तार और पॉजिटिविटी रेट को देखकर फैसला लिया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। देखिए, जिस तरीके स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑटोमेटिक लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक लॉकडाउन अगर लग जाता है तो मुंबई की जनता को या महाराष्ट्र की जनता को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सत्यप्रकाश प्रेवत जी, देखिए मुंबई करों को सिर्फ जो है तकलीफें झेलनी है, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो सरकार ने कहा था कि तमाम चीजों पर वो छूट देंगे, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो राशन हो, चाहे अन्य मूलभूत सुविधाएं हो, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार द्वारा नहीं दी गई। यही वजह है कि जब तीसरी लहर की आहट लोगों को सुनाई दे रही है, लेकिन लोग लापरवाह बेपरवाह है। इसका महज कारण यह है कि अगर मरना है तो कोरोना से मरे, क्योंकि आए दिन मरना इससे बेहतर कोरोना है। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि लोग लापरवाही करते हैं, लोग सरकार की बातों को नहीं मानते हैं, लोग सरकार द्वारा बनाए गए एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है, क्योंकि लोग पिछले 2 सालों से काफी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में अगर सरकार बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के ऐलान के लॉकडाउन लगाती है तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि आम जनता, आम मुंबईकर पूरी तरह से बेबस लाचार हो चुका है जी। लेकिन एक चीज तो साफ है कि जिस तरीके से हमने दो लहरों में देखा, कोरोना की दो लहरों में देखा, जिस तरीके से मुंबई से लोग पलायन करते नजर आ रहे थे, जो लोग मुंबई पैसा कमाने के लिए गए थे वो वापस अपने देश प्रदेश लौट रहे थे, अपने घरों को वापस लौट रहे थे, और जिस तरीके से स्थिति फिर और भयावह हो गई थी, तो क्या अगर लॉकडाउन लगता है तो जो प्रवासी मजदूर मुंबई में है उनको लेकर सरकार ने कुछ तैयारी कर रखी है? फिलहाल देखिए, अभी कोई तैयारी नहीं है, सरकार सिर्फ ये कर रही है कि लोग सावधानी बरते। सरकार स्वास्थ्य विभाग को चुस्त दुरुस्त कर रही है, सरकार अपने कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त कर रही है, सरकार अपने टैक्स पेयर को चुस्त दुरुस्त कर रही है कि आने वाले समय में स्थिति बिगड़े ना। लेकिन एक बात अपनी बत्ती सही है, जैसा कि आपने कहा कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसके लिए सरकार की तैयारियां क्या है, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था लोग बड़ी संख्या में प्लान कर रहे थे मुंबई से, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है, बल्कि सरकार इस पर विचार कर रही है किस तरह से स्थिति को नियंत्रण किया जाए। तो जाहिर पर सरकार की अभी कामना यह है कि ज्यादा ज्यादा संख्या में लोगों को जागरूक किया जाए, ज्यादा ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए, ज्यादा ज्यादा लोगों से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, सरकार का फोकस इस पे अभी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे, और तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से जो कोरोना के केस हैं उन्होंने लगातार सरकार की चिंता बढ़ा दी, और
जो स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र के, राजेश टोपे, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लॉकडाउन लगा देंगे। तो राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।